वाड़ी पुलिस थाने अंतर्गत बोडाला गांव रोड पर एक गांवटी शराब विक्रेता को शराब लेते जाते देख उस पर कड़ी कार्रवाई की गई। मिली जानकारी के अनुसार लोकसभा चुनाव 2024 के चलते आदर्श आचार संहिता के दौरान गैर कानूनी गतिविधियों को रोकने के लिए वाड़ी पुलिस ने गांवटी शराब विक्रेता को गिरफ्तार किया है। यह घटना वाड़ी थाने के सीमा में गश्त के दौरान गुप्त मुखबिर से मिली सूचना पर मामाचा मड़ा रेस्टोरेंट बोडाला लावा रोड के पास जाल बिछाकर वाड़ी पुलिस ने बीव संकोरी के टिकदान क्षेत्र निवासी आरोपी अजय गौतम सोमकुवर उम्र 25 वर्ष को गिरफ्तार कर लिया गया। नमूद आरोपी होंडा एक्टिवा रंग ग्रे नंबर MH31FK1272 की चला रहा है, जिसके ऊपर मोहफुला शराब सफेद रंग की प्लास्टिक के 12 पन्ने में 150 रुपए की कीमत पर कुल 15,000 रुपए में मिला और गाड़ी की कीमत 60,000 रुपए, ऐसा कुल मिलाकर 75,000 रुपए का मुद्देमाल जब्त किया है। आरोपी अजय को थाने में लाकर उक्त गांवटी मोहफुला शराब के संबंध में पूछा गया तो उसने बताया कि यह शराब गोनखेरी क्षेत्र से बेचने के उद्देश्य से ले जा रहा था। आरोपी अजय गौतम सोमकुवर उम्र 25 वर्ष रमाई बौद्ध विहार के पास बेउसनकोरी निवासी पर धारा 65E महाराष्ट्र शराब निषेध अधिनियम के तहत मामला दर्ज किया गया। यह कार्यवाही DCP अनुराग जैन, ACP सतीश गुरु के मार्गदर्शन में PI राजेश तटकरी, क्राइम PI रमेश खुने, PSI कुणाल थुरड, HC प्रमोद गिरी, सिपाही प्रवीण फलके, हेमराज बिराड़, प्रमोद सोनू ने, सतीश येसनकर ने कार्यवाही को अंजाम दिया। आगे की जांच वाड़ी PI राजेश तटकरी के मार्गदर्शन में HC प्रमोद गिरी कर रहे हैं। वाड़ी शहर को लगकर गोनखेरी गांव है जो कलमेश्वर पुलिस थाने में आता है। गोनखेरी से वाड़ी तथा अन्य जगह धड़ल्ले से गांवटी शराब की तस्करी की जाती है। ये शराब से दारूदाताओं के शरीर तथा सेहत पर काफी फर्क पड़ता है। इस ओर आला अधिकारियों ने चुप्पी साधी है। NBC न्यूज के लिए वाड़ी से सौरभ पाटिल की रिपोर्ट।